हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एए ऑनलाइन सॉल्यूशन। क्लास टेंथ में जो सेंटअप एग्जाम में क्वेश्चन आया था मैथ वाला, उसका मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं और इस वीडियो में आपको चार सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं। टोटल आठ क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो क्वेश्चन आया उसमें आठ क्वेश्चन दिया, आठ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें से हम आपको चार प्रश्न का उत्तर बताने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और इसको आसानी से बनाएंगे, ठीक है ना। क्या बोलता है, किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया जाता है। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ दिया था, दो जोड़े में, ठीक है ना, तो 9/11 हो जाता है। और यदि अंश और हर में दो तीन जोड़ देंगे तो 5/6 हो जाता है, ठीक है ना। तो भिन्न को ज्ञात करना है। अब इसको कैसे बनाएंगे देखिए, ठीक है ना। तो मुझे करना है क्या होगा, पहले मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहां पर हल करते हैं, मानना कि क्या मानेंगे हम, भिन्न के हर और अंश मानेंगे, है ना। माना कि भिन्न के अंश, अंश तो ऊपर वाला, अंश बराबर x तथा हर बराबर y, मान ली, ओके। इसलिए भिन्न क्या हो गया, इसलिए भिन्न क्या हो गया, x बटा वाई, क्योंकि भिन्न हर अंश बटा हर होता है ना, तो x बटा वाई क्या हो गया, भिन्न हो गया। अब प्रश्न से आप लिखेंगे, ठीक है ना, प्रश्न से या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं, यानी कि प्रश्न से, प्रश्न के अनुसार क्या बोलता है। प्रश्न बोलता है यदि अंश और हर में दो जोड़ देते हैं, ये जो है ना भिन्न, ये अंश और हर में इन दोनों में दो जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाते हैं। चलिए, तो अंश भिन्न हमारा x बटे y है, और अंश में भी दो जोड़ेंगे और हर में भी दो जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 9/11। अब पहले इसका हम सॉल्यूशन कर लीजिएगा तो हम आगे बढ़ाएंगे, बेहतर होगा इसका पहले सॉल्यूशन कर ले, ठीक है ना। तो क्या करो, क्रॉस गुना करते, देखिए x प्लस टू को 11 से गुना करते, ठीक है ना। तो x प्लस टू को एक, देखिए पहले x को 11 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x हो जाएगा, और दो को करेंगे 11 से गुना तो 11 × 2 = 22 हो जाएगा। फिर देखो y प्लस टू को 9 से गुना करेंगे तो 9 को y से करेंगे तो 9y प्लस 9 × 2 = 18, है ना, हो गया। अब देखिए ये 9y को इधर लेकर आइए तो 11x और ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, -9y, ये 22 को इधर भगा दो यहाँ से तो प्लस वाला क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसको घटाना पड़ेगा तो हम घटा लेते हैं, 11x माइनस 9y बराबर -4, है ना, क्या हो गया, घटेगा ना, 18 × 4 = 22 होता है ना, 22 हो गया, ठीक है ना। अब हम एक तो हमारा ये समीकरण फर्स्ट बन गया, इसको समीकरण फर्स्ट बोल दीजिए। तथा तथा जो दूसरा देखिए क्या बोलता है, दूसरा बोलता है यदि अंश और हर में अब तीन जोड़ेंगे, इसमें दो जोड़ रहा था अब इसमें तीन जोड़ेंगे तो भिन्न 5/6 हो जाता है। तो यही ऐसे ही बनेगा। अब ये जो हमारा भिन्न है ना एक्स बटा वाई, इसके अंश में भी तीन जोड़ेंगे और हर में भी तीन जोड़ेंगे तो 5/6 हो जाता है। भिन्न क्या हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसका भी सोल्यूशन करना पड़ेगा, चलिए तो इसको भी क्रॉस गुना कर दो, एक्स प्लस 3 को 6 गुना करेंगे तो 6 को x करेंगे, 6x प्लस 6 = 18, और y प्लस 3 को 5 से गुना करेंगे क्रॉस तो 5 को y से करेंगे तो 5y और 5 × 15 हो गया ना, 5y को इधर लाइए तो -5y हो गया 15, ये 18 कहाँ जाएगा, माइनस में, इधर जाके बन जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे देखिए 6x माइनस 5y बराबर कितना हो गया, घट के -3, 18 में से 5 घटेगा तो 18 में से 15 घटेगा -3। अब हमारे पास दो समीकरण बन गया ना, एक समीकरण हमारा यहाँ पे है, एक 11x माइनस 9y बराबर -4, 6x माइनस 5y बराबर -3। तो किसी एक को काटना हमको है ना, किसी एक को तो काटना पड़ेगा। तो ऐसा करें ना, इसको हम कोई दूसरा विधि से निकाल लें या तो लुप्तीकरण विधि से भी निकाल सकते हैं बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे अगर हम इसको, इस समीकरण को 5 से गुना कर दें तो 9×5 = 45 हो जाएगा, या तो इसको देखें, इस समीकरण को 6 से गुना करेंगे तो 11×6 = 68 हो जाएगा, इसको 11 से गुना कर दें, है ना, तो 11×6 = 68 कट जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, इजी से यहीं पे लिखते हैं ताकि हमारा जो ज़्यादा स्पेस ना लगे, हम यहीं पे लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं समीकरण फर्स्ट को करेंगे कितना से गुना, 6 से, तथा सेकेंड को गुना करेंगे किसे, 11 से, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट को 6, फर्स्ट वाला समीकरण है, इसको गुना करेंगे कितना से, 6 से गुना करेंगे, और सेकंड को करेंगे 11 से गुना, तो गुना कीजिए 6 से गुना करेंगे 11×6 = 68 हो गया। फिर देखिए 9×54
और 6 चौक 24 -24 हो गया। इसको देखिए 11 से गुणा करेंगे, 11 6 66 -11 5 55 y बराबर 11 3 33 माइनस में। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे तो ये वाला प्लस बन जाएगा माइनस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, ये माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये दोनों खलास। 55 y में से 54 y घट जाएगा तो क्या बचेगा y, और 33 में से घटेगा 24 तो 9 4 13 कितना गया, यानी कि y का वैल्यू कितना गया 9 आ गया है ना। अब y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। फर्स्ट समीकरण क्या लिखे, 11x -9y -4 = -4 11x -9y = -4 इसमें हम y का वैल्यू रखते हैं, 11x - 9 y का वैल्यू कितना है 9 आया, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे y जहाँ पे 9, तो मेरे पास आ गया 11x -9 81 = -4 तो 11x ई 81 उधर भेज दो तो -4 पहले से है, ये जाके क्या बनेगा +81 तो 11x ये कितना घट का जाएगा 9 11 4 7 4 11 8 बचेगा 7 11 7 77 है ना, x से बराबर कितना हो गया 77 7 हो गया, सॉरी x से बराबर 7 हो गया। तो लिखेंगे इसलिए भिन्न बराबर, भिन्न क्या था माने थे x से बटा y माने थे, और x का वैल्यू कितना आया 7 आया, और y का वैल्यू कितना है 9 आया, हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये आपका रहा 5 नंबर वाला सवाल, ओके समझ में आया, आगे सवाल पढ़ते हैं। दूसरा सवाल मैं लिया हूँ कॉस ये वाला मतलब त्रिकोणमिति से, ठीक है ना। मैं ज्यादा हार्ड सवाल नहीं लिया हूँ, ठीक है, ज्यादा हार्ड वाला सवाल बोले तो ट्रायंगल वाला साइड कर दिया हूँ, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम लग जाता और ग्राफ वाला था उसको मैंने साइड कर दिया, फिर मैं बता दूंगा उसको, ओके। तो इसको देखिए बहुत इजी सवाल दे दिया त्रिकोणमिति, और देखिए 5 नंबर का सवाल है भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है त्रिकोणमिति, अगर बना लिए ना तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में, कुछ नहीं करना है, ये आपका LHS है, ये RHS है, LHS बनाएंगे RHS हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए लिखते हैं LHS ये वाला लिखते हैं, ठीक है ना, cosec a बटे cosec a -1 प्लस cosec a बटे cosec a +1 हो गया, दोनों को लिख लिए। अब देखिए क्या करते हैं, इसको बनाते हैं क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cosec a -1 और cosec a +1 ले लिया एलसीएम, cosec a -1 cosec a +1 एलसीएम हो गया। इसको इससे डिवाइड करें तो ये वाला तो इसको इससे कट जाएगा, ये वाला इससे तो कट जाएगा ना, तो बचेगा ये वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं cosec a गुना ये हो जाएगा cosec a +1 हो गया गुना। चलिए अब फिर देखो इससे डिवाइड करेंगे, इससे करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तब ये वाला इससे गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे cosec a मल्टीप्लाई हो जाएगा किसे cosec a -1 cosec a -1 पता है सबसे मजा पता है त्रिकोणमिति बनाने में आता है। अब देखिए इससे गुना कर दो cosec a को cosec a से गुना करो, तो cosec a को cosec से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर हो जाएगा, और cosec a को 1 से गुना करो तो प्लस cosec a ही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो cosec a को cosec a से गुना करो तो cosec स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस cosec a को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर बटे। अब देखिए यहाँ फार्मूला आ गया a प्लस ए माइनस बी ए प्लस बी, आपने पढ़ा फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर cosec है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यहाँ पे देखिए cosec a माइनस में cosec a यहाँ पे स्क्वायर होगा, सॉरी ये स्क्वायर नहीं होगा, cosec को 1 से गुणा करके तो cosec होगा, तो ये दोनों का हो गया कट गया। अब मेरे पास क्या बचा, एक cosec स्क्वायर है यहाँ पे, cosec स्क्वायर यहाँ पे बचा, मतलब 2 cosec स्क्वायर a बचा। अब आपने फार्मूला पढ़ा है ना cosec, यहाँ पे मैं फार्मूला लिख दूँ, यहाँ पे फार्मूला आपने पढ़ा है cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a = 1, तो ये वाला 1 को इधर लेंगे cot को इधर ले चल जाएंगे, देखिए
कॉस स्क्वायर ए, ये इधर आ जाएगा तो माइनस वन, और इसको इधर ले चल जाएंगे तो प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस वन बराबर क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ भी वही कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है ना, तो इसके तरफ मैं क्या ले सकता हूँ, कॉट स्क्वायर ए हो गया ना। अब देखिए दो को बाहर ही रखो, ठीक है ना, एक कॉसेक को मैं लिख सकता हूँ वन बटे साइन स्क्वायर होता है ना, कॉसेक वन बाई साइन उल्टा होता है, और कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए दो को ऐसे रहने दीजिए बाहर में, वन बाई कॉस साइन है, वन बाई साइन है, और ये जो बड़ा वाला भाग है ना, इस भाग को गुना बदल देंगे, तो गुना बदलेंगे तो साइन हो जाएगा ऊपर और कॉस आ जाएगा नीचे, तो ये दोनों हो गया खत्म, कट गया। मेरे पास क्या बचा, दो गुना वन बटे कॉस स्क्वायर ए बचा ना, वन और नीचे कॉस। आपको पता है वन बाई कॉस क्या होता बाबू, सेक स्क्वायर ए, यही तो नाने बोल रहा हूँ, टू सेक स्क्वायर है ना, तो क्या हो गया आर एच एस हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। सामने सवाल नंबर तीन लिया हूँ और ये हाइट एंड डिस्टेंस का, तो हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल कंफर्म आना है, इसलिए एकदम इतना बार बनाओ हाइट एंड डिस्टेंस जो पांच नंबर क्लियर हो जाए, ठीक है ना। एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है, कब, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाती है, ठीक है ना, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए बहुत आसान से बनेगा इसका, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका फिगर बनाना है। तो एक है हमारा क्या है, मीनार है, इसे टेढ़ा हो गया ना, चलो मीनार मान ली इस तरह से, क्या एक मीनार है, ये जमीन होगा। अब बोला क्या गया, मीनार है ना, खड़ी मीनार है, 30 मीटर अधिक हो जाते हैं, कब होगा, उस छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक हो जाती है जब उन्नयन कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री था, 30 डिग्री हो जाता है, तो पहले पहले कहीं ना कहीं यहां पे होगा, मे बी पहले यहां पे होगा, और ये वाला था 60 डिग्री, अब जो ना ये हो गया यहां पे और ये हो गया कितना 30 डिग्री, तो पहले सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, घट के कितना हो गया 30 डिग्री, घटा ना उन्नयन कोण, घटा कि नहीं घटा उन्नयन, ऐसे नहीं ये समझ मत समझना कि सर इधर गया तो बढ़ने गया, अरे उन्नयन कोण पहले 60 था, बढ़ेगा कब, जब 90 होगा तब ना कोण बढ़ेगा, ये घट गया, घट के 30 हो गया, अब 30 कब घटेगा तो पीछे बढ़ेगा, जितना शो करके रहेगा लाइन उतना कम डिग्री कोण बनेगा, जितना खड़ा होगा उतना 90, देखिए ये क्या है खड़ा है तो 90 डिग्री कोण यहाँ पे बन रहा, जितना खड़ा रहा उतना ज्यादा कोण बनेगा, जितना सोया हो रहा है उतना कम बनेगा, तो 60 से कमा दी, ऐसा नहीं कि 60 इधर 30 इधर लिखेगा, गलती हो जाएगा। अब देखिए क्या बोला गया, उस समतल जमीन की खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, इसका मतलब यहाँ पे अगर हम ए बी सी और डी कर दें, तो अगर इसका मतलब ये पहले से एक्स मीटर था है ना, और ये अब क्या हो गया 30 मीटर ज्यादा हो गया है ना, 30 मीटर ज्यादा हो गया, तो इससे जो 30 मीटर ई ज्यादा हो गया है ना, 30 मीटर अधिक हो जाती है लंबाई, क्या बोला लंबाई 30 मीटर अधिक हो जाती है, तो पहले लंबाई इतने दूर था, इतना दूर लंबाई था हमको पता नहीं था कितना था, लेकिन एक्स मान लिए, अब इससे 30 मीटर ज्यादा हो गया, मतलब ई जो था ना इससे 30 मीटर बढ़ गया, तो पहले एक्स था और एक्स से 30 मीटर क्या हो गया बढ़ गया, इतना मीटर लंबा हो गया, तो बोलते ये वाला निकालिए एच निकालिए, एच बराबर वाट निकालिए, ठीक है ना, फिगर समझ गए। अब देखिए पहले क्या क्या मान लेते हैं, ये जो दिया हुआ है लिखते हैं, एग्जाम में लिखिएगा, माना कि क्या मानिएगा, ए बी क्या है मीनार है ना, माना कि ए बी मीनार है या मीनार की ऊंचाई है, ठीक है ना, तो और ए बी बराबर एच मीटर, तथा बी सी को मैंने क्या माना, बी सी बराबर एक्स मीटर हो गया, हाँ जी, और डी सी बराबर एक्स प्लस 30 मीटर हो गया ना, इतना आपको लिखना पड़ेगा। अब हम देखिए यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा ना, एक तो ए बी डी बन रहा, एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा, तो पहले छोटा त्रिभुज बड़ा त्रिभुज जिसमें मर्जी उसमें बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, तो पहले हम बड़ा त्रिभुज छोटा लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, पहले छोटा का त्रिभुज लेते फिर बड़ा का त्रिभुज बनाएंगे, ए बी सी, तो लिखते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में लिखते हैं, देखिए अब यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, टैन थीटा लिखना पड़ेगा, चूंकि लंब है और हमको ये एक्स का वैल्यू भी तो पता करना है ना, एक्स का वैल्यू ये लंब, देखिए ये वाला ये आधार है, तो जानते हैं टैन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब कौन है, ए बी है,
आधार कौन है, यहाँ यहाँ तक, यहीं तक ए बी सी यहीं तक है कौन, ए बी सी, तो आधार बी सी हो गया, ठीक है ना। और टेन सिक्सटी का वैल्यू आपको पता है ना अच्छे तरीके से, टेन सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है, रूट थ्री होता है। ए बी का वैल्यू तो एच माने थे हमने, ऊंचाई को एच माने थे और बी सी को एक्स माने थे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ क्रॉस गुना, देखिए यहाँ पे नीचे एक छुपा हुआ ना, नीचे क्या छुपा हुआ, नीचे वन छुपा हुआ है, तो एच को वन से गुना करेंगे तो एच हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा रूट थ्री एक्स, है ना, यहाँ तक आ गया। अब हमको देखो हमको क्या निकालना है, हमको एच का वैल्यू निकालना है, एच का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जब आगे हम बनाएंगे तो उसमें एच ही आना चाहिए, एक्स नहीं आना चाहिए, है ना। जब हम आगे ए बी डी बनाएंगे तो उसमें हमारा सारा वैल्यू एच के रूप में आना चाहिए, एक्स के रूप में आएगा तो एच कैसे निकलेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे एक्स को निकालेंगे तो ई रूट थ्री बटन चल जाएगा, एच बटे रूट थ्री, ये आ गया इतना एक्स का वैल्यू, मतलब यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब देखिए अब त्रिभुज ए बी डी लेते हैं ना, अब त्रिभुज ए बी डी में, तो अब यहाँ पे 30 डिग्री है, टैन लिखेंगे, टैन 30 डिग्री बराबर लंब, देखो कौन ए बी हो गया लंब और आधार पूरा हो गया बी डी, बी डी क्या हो गया आधार हो गया, तो लिखेंगे टैन 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, तो लंब ए बी है, आधार क्या है बी डी, ठीक है ना। देखिए बी से डी तक क्या है, पूरा आधार है, यहां तक समझ रहे हैं, चलिए यहां तक समझ गए तो आसान से समझ जाएंगे आप। अच्छा जी सवाल जो दे रहा ना, बोला 30 मीटर अधिक लंबी हो जाती है, तो यहां पे ना मतलब जैसे ये था ना, अब इससे 30 मीटर बढ़ गया तो इतने लिखूं, अब देखो अब ये ना, अब ये पूरा हो गया 30 मीटर बढ़ गया, x पहले था अब ये ऐसे होगा, ठीक है ना, सॉरी, तो यहां से x था, अब 30 मीटर बढ़ा, यहां से 30 मीटर बढ़ गया, यहां से 30 मीटर यहीं तक, सी से डी तक 30 मीटर बढ़ा, मैंने पूरा जोड़ दिया था, सी से डी तक 30 मीटर बढ़ा, तो टोटल दूरी कितना हो गया, यहां से यहां तक हो गया x प्लस 30, ये होगा, ठीक है ना। तो अब यहां पे क्या लिखेंगे हम, टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, ए बी का वैल्यू क्या माने थे, एच माने थे, और बी डी का वैल्यू कितना हो गया, पूरा बी डी है x प्लस 30, एक्स प्लस 30, है ना, बी डी का वैल्यू यहां पे लिख देंगे बी डी, यहाँ पे बी डी या डी बी, है ना, एक्स प्लस तीस, ये बोला गलती था, हो गया। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस गुना करो, फिर से क्रॉस गुना करो, देखिए एच को करेंगे इससे गुना, एच को इससे गुना करेंगे तो रूट थ्री एच हो जाएगा, और एक्स प्लस थ्री तीस को वन से गुना करेंगे, एक्स प्लस 30 हो गया। अब हम एक्स का वैल्यू निकाले थे ना यहाँ पे, एक्स बराबर एच बटे रूट थ्री, तो जहां पे एच एक्स है वहां पे ये वाला वैल्यू रख देते हैं, तो रूट थ्री एच, और एक्स का वैल्यू है कितना, एच बटे रूट थ्री प्लस 30। अब क्या करो ना, ई वाला एच बटे रूट थ्री को इधर भेज दो, इधर माइनस हो जाएगा प्लस में आके एच बटे रूट थ्री, ये 30 ऐसी रहना। अब यहां पे भिन्न का जोड़ बना दो, तो रूट थ्री ले लो एलसीएम, रूट थ्री ले लिया एलसीएम, तो यहाँ पे वन है तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो यही बचेगा, गुना करेंगे तो थ्री एच हो जाएगा माइनस, ये तो कट जाएगा ना, तो बचेगा कितना एच, ये इससे क्रॉस गुना हो जाएगा इससे, ये कितना होगा, थ्री एच में से एक एच कटेगा तो टू एच, ये हो जाएगा 30 रूट थ्री, और एच बराबर 30 रूट थ्री बटे दो, कितना हो जाएगा 15, इसलिए एच बराबर 15 मीटर, लेकिन अतः मीनार की ऊंचाई बराबर है ना, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15 मीटर हो गया, इसका आंसर हो गया, क्लियर है, समझ में आ गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे फिगर में मैंने गलती किया, थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला ना, यहां तक x था, अब 30 मीटर बढ़ा है तो इतने दूर बढ़ा, यहां से यहां तक 30 मीटर बढ़ा, तो टोटल दूरी कितना हो गया, यहां से तक x हो गया, यहां से तक 30 हो गया, x प्लस 30, ओके। अब देखिए सवाल नंबर 4 समझ लीजिए, ठीक है ना, ये मैंने बताया था आपको और कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था और ये सवाल आपको यहाँ पे मिलने दिख रहा है मिलने। कंस्ट्रक्शन वाला सवाल है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त स्पर्श रेखा की रचना करना है, ठीक है। तो पहले करना क्या क्या आपको बताएंगे उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया सारा कुछ। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त लेना है, मतलब कि एक कंपास होता है ना, 6 सेंटीमीटर नापना है उसको और यहां पर रख करके इसको मैंने ऐसे घुमा दिया, ये जो दिख रहा है ना वृत्त, ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला
वृत्त, समझिएगा ध्यान से, कंपास को रख के 6 सेंटीमीटर नापा, कंपास को स्केल पे 6 सेंटीमीटर नापा और यहां से ऐसे जो है इसको घुमा दिया, ये जो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या बन गया। उसके बाद केंद्र ओ से ओपी 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा जो और ओपी को संविभाजित किया। देखिए ये वाला केंद्र हम मान लिए, अच्छा ये वाला त्रिज्या, ये बड़ा वाला त्रिज्या था 6 सेंटीमीटर, सॉरी ये छोटा है ना, ये वाला त्रिज्या है, ये वाला वृत्त है 6 सेंटीमीटर वाला, तो यहाँ पे मैं रख के पहले एक तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त बना लेना है ये, और इस फिगर में ना ये वाला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये वाला दिख रहा है आपको, ये जो बड़ी वाली, जो बड़ी वाली त्रिज्या दिख रहे हैं ना, ये वाली वृत्त है 6 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, इसको मैंने ओ माना। तो खींच लीजिएगा कंपास को 6 सेंटीमीटर आपके, आप पहले एक त्रिज्या बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे रख, यहां से आपको स्केल रख के, स्केल आपको सीधा रखना है, स्केल रख के 10 सेंटीमीटर नाप लेना है। तो ओपी मैंने 10 सेंटीमीटर कर लिया, बोल रहा ना ओपी 10 सेंटीमीटर रेखा खींचा, और उसके बाद क्या करना, ओपी को समद्विभाजित करना है, ये जो ओ और पी है उसको दो भाग में बांटना है। तो कंपास को ना ये कितना 10 है ना, 6 नापिएगा, यहां से रख के एक बार ऐसे कट कीजिएगा, है ना, कंपास को यहाँ पे रख के एक बार ऐसे यहां से ऐसे कट करना है, फिर एक बार ऐसे कट करना है, फिर ये जो पॉइंट बनेगा आखिरी पॉइंट है जो है 10 सेंटीमीटर, यहां से कैसे कट करेंगे, देखो कट हो रहा ना, यहां से ऐसे कट करेंगे, कट गया। उसके बाद स्केल रख के ये दोनों पॉइंट को ये लाइन से मिला देना है, मिल गया। उसके बाद ये जो पॉइंट है ना उसको केंद्र मान लेना है, केंद्र मान करके स्केल को ऐसे रख के, ये जो कंपास है ना इसको ऐसे रखेगा, नाप लीजिएगा और नाप करके एक छो वृत्त ऐसे खींच लीजिएगा ऐसे, ठीक है ना, वृत्त खींच लेंगे जैसे यहाँ पे लिखा है, एम को केंद्र मान के एम पी को त्रिज्या माना और वृत्त खींचा जो ए बी, ए तथा बी पर प्रतिच्छेद करता है। तो जो ई जो यहाँ जो कटा है ना, ये छोटी जो पहली जो बड़ी वाली वृत्त है और जो छोटी वाली वृत्त है जो खिंचाया बाद में, सब ये रेखा आधा दी बांटने के बाद यहाँ पे जो वृत्त खिंचाया है तो ए और बी समद्विभाजित किया, इसको डॉटेड लाइन से मिला दीजिएगा, हल्का हल्का और इसको पूरा गाढ़ा लाइन से मिला दीजिएगा, तो ये आपका रचना हो जाएगा, ठीक है ना। और ये बात जो है आपको लिखना है यहाँ पे, तब आपको ये सवाल भी डन हो जाएगा। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो क्लास करते हैं, अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, बाकी सवाल और है तो अगर बोलेंगे तो वो भी सवाल मैं आपको डाल दूंगा रिकॉर्ड कर। ओके बाय, वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके।